दोस्तों आज मैं आपके लिए 5 ऐसी डरावनी केबिन लेकर आई हूँ जिन्हें देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, जिनके नजदीक जाने से पहले लोग 1000 बार सोचते हैं। व्हाइट वाटर लेक केबिन। जंगल में नदी किनारे मौजूद इस घर को बना देने में जिम्मी को करीब 12 साल लग गए हैं। उन्होंने अकेले इस विशाल घर को बना डाला था, जिसके दुर्भाग्य से उसका मछली पकड़ते समय मौत हो गई, जिसको पास में दफना दिया गया। आज लोग दावा करते हैं कि उन्होंने जिम्मी की आत्मा को घर में टहलते हुए देखा है। वही कुछ लोगों का घर के नजदीक से गुजरते समय अजीब आवाजें सुनाई देती है। लोग केबिन विलेज। टेक्सास में मौजूद इस जगह पर करीब 6 केबिन मौजूद है, लेकिन उनमें से एक केबिन जिसका नाम फोस्टर केबिन है, वो लोगों के बीच काफी फेमस है, क्योंकि सन 1800 आसपास इस घर में एक औरत रहती थी। कहा जाता है कि वो औरत जो परफ्यूम लगाती थी, आज भी उस केबिन में जाने के बाद कई बार लोगों को उस परफ्यूम की स्मेल आती है। यहाँ तक कि लोगों को उसके चलने का पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं। शामरॉक हाउस। जंगल के बीच मौजूद इस केबिन को 1925 में बनाया गया था, जहाँ एक व्यक्ति अपनी बेटी नैन्सी के साथ रहता था, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से उस लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद वो व्यक्ति भी वहाँ से चला गया। लेकिन आज लोगों को उसकी केबिन से उस लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। इस वजह से कोई भी व्यक्ति उसके नजदीक जाने की हिम्मत नहीं करता है। डेफरिन कंट्री केबिन। जब भी कोई इंसान रहने के लिए इस घर में आया, तो उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे वो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि उन्हें रात को यहाँ पर अजीब सी परछाई दिखाई देती है, या अचानक से लाइट चल जाती है, जहाँ तक कि रात को दीवारों से डरावनी आवाज आती है। कहा जाता है कि यहाँ पर काफी साल पहले एक परिवार रहता था जो अचानक से गायब हो गया, शायद वो उन्हीं लोगों की आत्मा है। वुडलैंड पार्क केबिन। जंगल में मौजूद इस सुनसान केबिन को जब पुराना होने की वजह से तोड़ा जा रहा था, तो उसकी छत पर मौजूद चिमनी में एक इंसान का कंकाल मिला। माना जा रहा है कि वो कंकाल 18 साल की एक लड़की का था, जो घर से तो निकली थी पर कभी वापस नहीं लौट पाई, जो शायद चिमनी से होकर केबिन में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें फंस जाने की वजह से उसकी कुछ दिन बाद मौत हो गई। यही वजह है कि आज कोई भी उस केबिन की नजदीक भी नहीं जाना चाहता। दोस्तों मुझे इस वीडियो बनाने में काफी टाइम लगा है और आपको इसे लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, तो इसलिए हमारे इस वीडियो को आप आगे ही देखते रहिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।